हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों बात करते हैं बीए सेकंड ईयर के साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में। 2022 की मुख्य परीक्षा का पेपर है जो आने वाले सभी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोशल रिसर्च मेथड, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे कि यह किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि सभी 20% करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है, शोध का क्या अर्थ है। नेक्स्ट, एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, यह कथन किसका है। नेक्स्ट, ज्ञान के लिए ज्ञान कौन से अनुसंधान का उद्देश्य है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसने सामाजिक सूक्ष्मदर्शी अंतर कहा है। नेक्स्ट, जनगणना रिपोर्ट किस प्रकार की तथ्य सामग्री है, अवलोकन को परिभाषित कीजिए। तथ्यों के दो प्रकार बताने आपको, विषय परकता क्या है। नेक्स्ट, शोध के कोई दो उद्देश्य लिखने, निदर्शन क्या है इसको बताना है। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पुस्तक के लेखक कौन है। बहुलक को परिभाषित कीजिए। एक उत्तम सारणी के दो लक्षण बताने। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल को कैसे ज्ञात किया जाता है यह आपको बताना है। अनुसंधान में मात्रात्मक पद्धति बताइए। संकेंद्रीय साक्षात्कार सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया ये भी बताना है। प्रश्नावली को परिभाषित कीजिए। ग्राफ क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित कीजिए। आय चित्र क्या है। ठीक है, ये प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, सभी 10% आपको करने अनिवार्य हैं और ये क्वेश्चन यानी कि दो नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। सामाजिक शोध के दो प्रकार लिखने, परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है बताना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के कोई दो लाभ बताइए। वर्णात्मक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए और वैज्ञानिक पद्धति के चरण बताने। नेक्स्ट, अनुसूची को परिभाषित कीजिए। अन्वेषणात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्गदर्शी सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। पार्ट थर्ड, ठीक है, सेक्शन ए के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तीस यानी कि तीन नंबर से। सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य और चरणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, उपकल्पना क्या है। उपकल्पना के सूत्रीकरण में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, सामाजिक शोध के अधिगमन के रूप में व्यक्तिगत अध्ययन विधि के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्नावली का अर्थ बताइए। इसके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। सेक्शन सी, तथ्य को परिभाषित कीजिए। तथ्यों के स्रोत की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित की माध्य का आपको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है जो सभी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य अपडेट के चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।